तहकीकात के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत। दोस्तों, अक्सर सोशल मंचों पर कुछ पुराने वीडियो को लेकर आज की घटनाओं के साथ जोड़ के इन पुराने वीडियो को कुछ ऐसे नैरेटिव बनाए जाते हैं जो किसी समुदाय विशेष के खिलाफ आपके मन में नफरत जोड़ सकते हैं, नफरत पैदा कर सकते हैं। एक ऐसा ही वीडियो जिसे वर्तमान का दिल्ली से बताया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि ये वीडियो दिल्ली के पटपड़गंज क्षेत्र का है, जहां रोड पर मस्जिद बनी हुई है और सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जो लॉकडाउन है उसकी धज्जियां उड़ाते हुए काफी सारे लोग यहां पे दिखते हैं जो नमाज पढ़ रहे हैं। और ये कहा जाता है कि बेशरम अरविंद केजरीवाल बोल रहा है कि आप हमें सुझाव दें, तो ये आपकी बेशर्मी है, यानी कि अरविंद केजरीवाल की बेशर्मी है। इन हरकतों की वजह से पूरा दिल्ली रेड जोन में है, ये ऐसे दावों के साथ ये वीडियो को शेयर किया जा रहा है सोशल मंचों पर। हालांकि दोस्तों, ये वीडियो लॉकडाउन से पहले का है और इसी वीडियो को लॉकडाउन से पहले भाजपा के सोशल मीडिया के आईटी हेड अभिषेक दुबे द्वारा भी ट्वीट किया गया था। इस वीडियो का वर्तमान की स्थिति से कोई लेना देना नहीं है। आपको ज्ञात रहे कि जो पहला देशव्यापी लॉकडाउन था वो 25 मार्च को उसकी घोषणा हुई थी और 21 मार्च को जनता कर्फ्यू था। उससे भी पहले यानी कि 20 मार्च को इस वीडियो को इंटरनेट पे डाला गया था, यानी कि यह वीडियो तालाबंदी जनता कर्फ्यू से पहले का है और इसका वर्तमान से कोई लेना देना नहीं है। इसी वीडियो पर दिल्ली के डीसीपी ईस्ट ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस वीडियो के माध्यम से किए गए दावे जो हैं वो गलत हैं। सोशल मीडिया पर जो इस वीडियो को लेके वर्तमान में कहा जा रहा है वो गलत है, ये पुराना वीडियो है जिसे लोगों को भ्रमित करने और अफवाह फैलाने के उद्देश्य से फैलाया जा रहा है, इस वीडियो को आगे साझा ना करें और साझा करने से पहले इस वीडियो की सच्चाई जान लें। दोस्तों, ऐसे ही कई फोटोज वीडियोज हमने अक्सर देखे हैं जो वर्तमान के जो पुराने होते हैं लेकिन उन्हें वर्तमान का बताकर फैलाया जाता है। कृपया आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसी खबरों को पर यकीन ना करें, ऐसे वीडियो जो पुराने होते हैं उन्हें ये यकीन उन पर ये यकीन ना करें कि वास्तविकता में ये घटनाएं अभी घट रही हैं। इनको आगे साझा करने से पहले इनकी सच्चाई जांचें और उसके बाद ही इनको आगे फॉरवर्ड करें। दोस्तों, बोलती कहानी में ये थी आज की कहानी। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।